नमस्कार, छत्तीसगढ़ के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 25 मई 2023 को मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल और आपके जिले की मौसम की जानकारी। तो आइए देखते हैं कल छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कितनी बारिश होगी, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कल छत्तीसगढ़ का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में अधिक तापमान होगा वे जिले हैं बलौदाबाजार, कोरबा, मुंगेली, कोरिया, जांजगीर चांपा, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी, जहां पर दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसी तरह रात के समय जिन जिलों में कम तापमान होगा वे जिले हैं कांकेर, सरगुजा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जसपुर, गरियाबंद, कबीरधाम, बीजापुर, सुकमा, दुर्ग, कोंडागांव और बस्तर। इन जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। हवा की गति की बात करें तो सबसे अधिक हवा चलने वाले जिले हैं कोरिया, जसपुर और राजनांदगांव, जहां पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं बाकी जिलों की बात करें तो 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी डालते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से यह जानकारी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। सबसे पहले वे जिले देखेंगे जहां पर बहुत ही हल्की बारिश या सिर्फ घने बादल छाए रह सकते हैं। वे जिले हैं धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, कोरबा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कबीरधाम, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर। इन जिलों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। अब आइए वे जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ बादलों की गर्जना होगी, गरज चमक का मौसम रहेगा और कुछ स्थानों पर अंधड़ भी चल सकते हैं। वे जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, सरगुजा और गरियाबंद। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने तथा एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने की संभावना है। तो ये था छत्तीसगढ़ में आज का मौसम और आपके जिले की मौसम की जानकारी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।